हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म आफ्टर अर्थ। ये एक एक्शन फिल्म है। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2013 में और इस फिल्म में लीड रोल निभाया था जेडन स्मिथ और विल स्मिथ ने, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एम नाइट शैमलन ने। और जहां तक बजट की बात की जाए तो फिल्म का टोटल बजट था $130 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $240 मिलियन और इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 4.8। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बताते हैं कि फ्यूचर में ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक कि लोग अर्थ को छोड़कर दूसरे ग्रह की तरफ जा रहे होते हैं और उस ग्रह का नाम होता है नोवा प्राइम। हमें एक आर्मी दिखाई जाती है जो लोगों को अर्थ से नोवा ग्रह की ओर शिफ्ट करने में उनकी हेल्प कर रही होती है। फिर हमें पता चलता है कि नोवा प्राइम ग्रह पर जहाँ लोग जा रहे हैं वहाँ एलियंस भी रहते हैं, और वो एलियंस लोगों से बचने के लिए क्रिएचर्स को लोगों पर अटैक करने के लिए छोड़ देती है। लेकिन वो क्रिएचर्स ब्लाइंड होते हैं जो लोगों की पहचान उनके डर के एहसास से करते हैं। मतलब जब लोग उन क्रिएचर्स से डरते हैं तो उन क्रिएचर्स को पता चल जाता है कि वो इंसान कहाँ है, और इन्हीं क्रिएचर्स की वजह से ह्यूमन एक्सटेंट होने वाले थे। फिर अगले ही सीन में हजार साल बाद हमें उसी आर्मी को दिखाया जाता है जिसे हमने पहले भी देखा था, और इस आर्मी ने ह्यूमन को बचाने के लिए उन क्रिएचर्स से बचने का रास्ता ढूंढ लिया था। आर्मी का जो कमांडर था उसने एक टेक्निक ढूंढी थी उन क्रिएचर्स को मारने की। उस टेक्निक के जरिए वो उन क्रिएचर्स के पास जा सकते थे और वो क्रिएचर्स भी उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते थे, और इस टेक्निक से वो क्रिएचर्स को मार सकते थे। फिर अगले सीन में हमें कुछ टीनेजर्स को दिखाते हैं जो कि क्रिएचर्स से लड़ने के लिए नोवा प्राइम पर ही रेंजर्स ट्रेनिंग ले रहे थे। फिर उन बच्चों में हमें एक बच्चे को दिखाते हैं जिसका नाम किटाय होता है, जो कि कमांडर का बेटा होता है, जिसने क्रिएचर्स को मारने की तरकीब बताई थी जिसकी वजह से लोग यहाँ जी पा रहे थे। यहाँ हमें दिखाते हैं कि किटाय रेंजर बनना चाहता है क्योंकि एक क्रिएचर्स ने उसकी बहन को मार डाला था जिसका बदला लेने के लिए वो रेंजर बनना चाहता है, लेकिन उसकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से वो रेंजर नहीं बन पाता, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद हमें किटाय के फादर को दिखाते हैं जो कि मिशन के बाद अपने घर आए हुए थे। फिर वो अपने बच्चे से पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या हुआ, तब किटाय बोलता है कि वो एक रेंजर नहीं बन पाया। लेकिन जब किटाय के फादर उसको बोलते हैं कि उसे और भी मेहनत करनी चाहिए, तब किटाय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिना खाना खाए वहाँ से जाने वाला होता है, तभी उसके फादर उसे रोकते हैं। डिनर के बाद वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो अपने लास्ट मिशन पर जा रहा है कुछ रेंजर्स को ट्रेन करने के लिए, और इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा। तभी किटाय की मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें किटाय को साथ लेकर जाना चाहिए ताकि वो सीख सके कि रेंजर कैसे बना जाता है। फिर वो ये भी बताती है कि किटाय अभी भी अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानता है। फिर अगले दिन हमें दिखाते हैं कि किटाय और उसके फादर दोनों मिशन के लिए तैयार होते हैं। उनके जाने से पहले वहाँ एक रेंजर आता है जिसका एक पैर नहीं होता, और वो रेंजर एक पैर पर ही किटाय की फादर को सैल्यूट करता है क्योंकि जंग के दौरान उसने उसकी जान बचाई थी। अपने फादर की इतनी रिस्पेक्ट देखकर किटाय का बहुत अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि रेंजर्स उन क्रिएचर्स को अपनी शिप पर लोड कर रहे होते हैं अपने ट्रेनिंग पर्पस के लिए, और नोवा प्राइम से टेक ऑफ करते हैं एक न्यू प्लेनेट की ओर। रास्ते में किटाय के फादर उसे बोलते हैं कि तुम कुछ आराम कर लो, लेकिन वो आराम नहीं कर पा रहा था, और फिर किटाय अपनी जगह से उठकर उस जगह जाता है जहां पर उस क्रिएचर्स को बांधा गया था। लेकिन तभी एक रेंजर किटाय को वहां जाने से रोकता है, लेकिन पास बैठा एक ग्रुप उसे वहां जाने के लिए परमिशन दे देता है, ये देखने के लिए कि क्या वो भी अपने फादर की तरह बहादुर है। फिर किटाय उस क्रिएचर के पास जाता है और वो क्रिएचर किटाय के डर को स्मेल कर लेती है और गुस्से में आकर अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है। फिर किटाय के फादर बोलते हैं कि शिप में कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर वो शिप की ग्रेविटेशनल फोर्स को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि शिप में कुछ बंद है। फिर किटाय अपनी सीट पर आ जाता है और बेल्ट बांध लेता है। फिर हमें दिखाते हैं कि शिप गलती से एक एस्ट्रॉइड शावर के अंदर एंटर कर देती है, जिसकी वजह से शिप बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। अब उन्हें लोगों के लिए पास में कोई सूटेबल प्लैनेट खोजना था। पायलट के सर्च करने के बाद उन्हें सबसे करीबी प्लैनेट अर्थ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें यहाँ सेफ नहीं लग रहा था क्योंकि ह्यूमंस के चले जाने के बाद वहाँ कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उनके पास कोई और रास्ता ना होने के कारण उन्हें अर्थ पर लैंड करना पड़ा।
फिर वो शिप अर्थ की ओर बहुत स्पीड से बढ़ रही थी। फिर किटाई के फादर उसके पास आते हैं क्योंकि वो बहुत डर जाता है और उसे अपनी बहन के मरने का सीन याद आता है। फिर उसके फादर उसे दिलासा देते हैं। फिर अचानक शिप स्पीड में होने के कारण टूट जाती है। सारे लोग शिप से बाहर गिर जाते हैं लेकिन किटाई नहीं गिरता क्योंकि उसने सीट बेल्ट बांधी होती है। और आखिर ह्यूमंस 1000 साल बाद वापस घर आए थे। फिर किटाई उठ जाता है और अपने पास क्रिएचर्स की डेड बॉडी देख रहा होता है और वहीं पर उसे अपने पिता की डेड बॉडी मिलती है और वो उन्हें हग करता है। लेकिन थोड़ी ही देर में किटाई बहुत चकित रह जाता है। उसके फादर होश में आ गए हैं। लेकिन किटाई के फादर जिंदा तो थे लेकिन उनकी दोनों टांगें जख्मी थी। फिर वो किटाई से पूछते हैं कि कितने लोग जिंदा है। फिर किटाई उन्हें बताता है कि हमारे अलावा यहाँ सारे मारे जा चुके हैं। वो यहाँ ये भी बताता है कि हमने जहाँ क्रिएचर्स को बांधा था वो हिस्सा गायब है। उनको लगता है कि वो क्रिएचर भी हादसे में मारा जा चुका है। लेकिन किटाई केयरफुल रहने को बोलता है। उसके पिता उसे कम्युनिकेटर के बारे में बताते हैं जो सिग्नल भेजने के काम आता है। लेकिन वो ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि वो सिग्नल वाला तंत्र पूरी तरह से डैमेज हो गया था। फिर किटाई उसके फादर को कंट्रोल पार्ट की तरफ ले जाता है जो कि अभी भी वर्क कर रहा था। फिर उसके फादर उसके जरिए शिप के दूसरे पार्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गिर गया था। वो लोग उस पार्ट के बिना कभी घर नहीं जा सकते थे। उन्हें हर हाल में उसे हासिल करना था। लेकिन किटाई के फादर इंजर्ड होने की वजह से ये काम अब किटाई को ही पूरा करना था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। लेकिन उसके फादर उसे बोलते हैं कि कंट्रोल एरिया से उनकी नज़र हमेशा उस पर रहेगी। साथ ही वो किटाई को ये भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो अर्थ के क्रिएचर से बच कर रहे क्योंकि इन 1000 सालों में ये क्रिएचर इंसानों के लिए बहुत खतरनाक हो गए हैं। अब उसके फादर उसे कुछ उपकरण और कुछ कैप्सूल्स देते हैं और इन कैप्सूल्स में कुछ ऐसा फ्लूइड था जो ऑक्सीजन को बढ़ा सकता था क्योंकि इस वक्त अर्थ पर ऑक्सीजन बहुत कम थी जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ हो सकती थी और अर्थ का एटमॉस्फेयर खराब होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट भी चेंज हो गया था। इसलिए उसके फादर उसे बोलते हैं कि तुम किसी गर्म जगह पर रहो ताकि अर्थ की गर्मी तुम्हें जिंदा रखे। फिर वो अपने पैर को देखता है जो बहुत डैमेज हो चुकी है। फिर बहुत ज़्यादा दर्द की वजह से वो पेन किलर लेता है जिसकी वजह से उसे नींद आ जाती है। फिर वो कंट्रोल पैनल में देखता है कि किटाई जंगल में पहुंच गया है जहां पर एक क्रिएचर उस पर अटैक करने वाला होता है। फिर वो किटाई को जल्दी से उन क्रिएचर्स की जानकारी देता है और उनसे दूर रहने को बोलता है। फिर हमें किटाई को दिखाते हैं जिसके पीछे एक जॉइंट मंकी होता है। फिर किटाई उस मंकी से डर कर उस पर पत्थर फेंकता है। तभी एक मंकी का ग्रुप उस पर अटैक करने वाला होता है लेकिन वो मौका देख कर वहाँ से भाग जाता है और उसके फादर उसे कंट्रोल पैनल से डायरेक्शन गाइड कर रहे होते हैं। आखिर वो मंकीज उसका पीछा छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक नदी में जंप करता है लेकिन उसके जिस्म पर एक पॉइजन वाला कीड़ा चिपक जाता है। फिर उसके फादर उसे बोलते हैं कि वो एंटीडोज ले ले। फिर वो जैसे ही एंटीडोज इंजेक्ट करता है वो बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद उसके फादर उसे जगाते हैं क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हो गया था और उसे रात होने से पहले अर्थ के किसी हॉट जगह पर जाना था क्योंकि वो ठंड में जमकर मरना नहीं चाहता था और वो जल्द से किसी हॉट जगह की तलाश करता है। दूसरी तरफ उसके फादर अपनी सर्जरी कर रहे होते हैं लेकिन उसको लग रहा था कि वो अब और जी नहीं सकता और मरने से पहले वो अपनी फैमिली की कुछ मेमोरीज देखता है। दूसरी तरफ किटाई भी बहुत बुरी दशा में होता है क्योंकि उन मंकी से बचते बचते उसके 2 कैप्सूल डिस्ट्रॉय हो चुके थे और अगर उसे जिंदा रहना है तो जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंचना होगा। फिर उसके फादर उसे उसकी कंडीशन पूछते हैं लेकिन वो उनसे झूठ बोलता है कि वो ठीक है। अब रात हो जाती है और किटाई एक केव में होता है। फिर वो अपने फादर से पूछता है कि आपने गस्टिंग टेक्निक कैसे ढूंढी। तो उसके फादर बताते हैं कि एक दिन जब वो कहीं जा रहे थे तब अचानक उसके सामने एक अरसा आ गई और वो डर के मारे वहीं पर खड़ा हो गया और अरसा अजीब सी आवाज में उसके कंधों के पास चिल्लाने लगी और अचानक वो दोनों एक रिवर में गिर गए। फिर वो बताते हैं कि रिवर में अरसा उसकी बॉडी के ऊपर थी और वो उसे खाने ही वाली थी। उस समय मैंने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था और इसलिए मेरे दिमाग से सारा डर खत्म हो गया और उसका डर खत्म होने की वजह से अरसा उसे देख नहीं पाई जिसका फ़ायदा उठाकर मैंने उसे मार डाला। अब यहाँ किटाई को ये समझ गया था कि उसे डरना नहीं है। फिर वो अपने फादर की स्टोरी सुनते सुनते सो जाता है। अगले दिन किटाई अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और दूसरी तरफ उसके फादर को अरसा के होने का एहसास होता है। फिर किटाई एक वाटरफॉल पर पहुंचता है और उसे पार करने के बाद
वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अब यहाँ उसके फादर उसे पूछते हैं कि उसके पास कितनी ऑक्सीजन बची है, लेकिन किटाई को ये बताते हुए हिचक होती है कि उसके पास सिर्फ 2 कैप्सूल बची है। फिर उसके फादर उसे मिशन वहीं पर छोड़ने को कहते हैं। फिर किटाई को वो हादसा याद आता है जहाँ पर उसकी सिस्टर ने उसे अरसा से बचाया था। अब वो बहुत दुखी हो गया था और वो अपने फादर से बोलता है कि वो बुजदिल नहीं है, और इतना कहकर वो उस वाटरफॉल से जंप कर देता है और कूदने के साथ ही वो अपने सूट को एज अ गाइड डायरेक्शन कर रहा था। और जैसे ही वो लैंड करने वाला होता है, एक बहुत बड़ा पक्षी उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका कम्युनिकेटर टूट जाता है और उसका उसके फादर से संपर्क टूट जाता है। कुछ देर बाद किटाई को एक बर्ड के घोंसले में होश आ जाता है। किटाई जैसे ही उस घोंसले से बाहर निकलता है, एक लेपर्ड उस पर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए उस लेपर्ड से लड़ता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। इधर हम देखते हैं कि उसके फादर उसे सैटेलाइट से ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन किटाई की जगह उसे 2 ऑफिसर्स मिलते हैं जो एक ट्री से लटके हुए थे, जिससे उसे पता लगता है कि अरसा अभी भी जिंदा है। फिर हम किटाई को देखते हैं जो एक केस में आराम कर रहा था, पर अब वो यहाँ पर एक मैप बनाता है जिसकी वजह से वो टेल के डायरेक्शन ढूंढ सके। फिर वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, लेकिन वो बर्ड भी उसका पीछा करता है। और इसी दौरान किटाई को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, तभी वो अपना आखिरी कैप्सूल लेता है। उसके बाद किटाई एक बोट बनाता है। उस बोट पर सफ़र करते करते उसे नींद आ जाती है, और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो नोटिस करता है कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है और उसके इर्द गिर्द हर चीज़ फ्रीज हो गई है। अब यहाँ किटाई सर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि किटाई को कोई चीज़ अपनी तरफ खींचती है। अब नेक्स्ट डे उसे पता चलता है कि जो बर्ड उसका पीछा कर रहा था, उसी ने उसकी जान बचाई थी, जिसके लिए किटाई उसको थैंक्स करता है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो बर्ड मारा गया है। फिर वो बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ता है और शिप की टेल तक पहुंच जाता है। यहाँ आकर वो सबसे पहले टूल ऑक्सीजन को ढूंढता है। फिर वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर अरसा को कैद किया गया था, लेकिन वो देखता है कि अरसा यहाँ नहीं है। फिर किटा यहाँ पर अपने फादर से कॉन्टेक्ट करता है, लेकिन टेक्निकल खराबी की वजह से वो अपने फादर से बात नहीं कर पाता, लेकिन उसके फादर उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर किटाई रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करता है, लेकिन खराब क्लाइमेट की वजह से वो कर नहीं पाता। फिर हम एक वॉल्केनो देखते हैं। किटाई वहाँ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ अरसा आ जाती है और उसका पीछा करती है, क्योंकि वो किटाई के डर को महसूस कर सकती है। और अब अरसा किटाई को खाने ही वाली होती है कि किटाई पानी में जंप कर देता है और कुछ देर के लिए अरसा से बच जाता है, और अब वो पानी से माउंटेन के ऊपर तक का सफर तय करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके फादर भी इंजुरी की वजह से बेहोश हो गए थे। अब किटाई भी अरसा से डर रहा था, लेकिन वो अपने फादर के वर्ड्स को याद करता है और अपनी मौत को एक्सेप्ट करता है, और उसके अंदर से सारा डर खत्म हो जाता है और अरसा उसे ढूंढ नहीं पाती, और अब वो अरसा को मारने के काबिल हो जाता है। अरसा को मारकर वो अपना बीकन यूज करता है और नोवा प्राइम तक रेस्क्यू सिग्नल पहुंचाता है। फिर लास्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि किटाई एक रेस्क्यू शिप में है और हर कोई उसे अप्रिशिएट कर रहा होता है। दूसरी तरफ उसके फादर भी एक रेस्क्यू टीम में होते हैं जिसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है, और जैसे ही वो अपने बेटे को देखते हैं, वो अपने बेटे को सैल्यूट करते हैं और दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।